फाइब्रॉइड यूट्रस। क्या होते हैं फाइब्रॉइड्स, क्या होती है ये बच्चेदानी की फाइब्रॉइड की गिठने? ये बहुत ही कॉमन समस्या है। आप लोगों ने, कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, किसी ने सुना होगा कि मेरी सहेली को फाइब्रॉइड है, किसी की खुद की सोनोग्राफी में आया होगा। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्यों होते हैं फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स होते हैं तो क्या समस्याएँ होती हैं और क्या रहता है इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले फाइब्रॉइड होता क्या है? फाइब्रॉइड बच्चेदानी की साधारण गिठन होती है, यानी कि ये कैंसर की गिठन नहीं है, ये नॉर्मल सिंपल गिठन है, जिसे हम बच्चेदानी का मसा या बच्चेदानी की नॉर्मल गिठन भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। 25% महिलाओं में फाइब्रॉइड पाया जाता है, यानी कि हर 4 में से एक लेडी को फाइब्रॉइड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर में 4 औरतें हैं तो 4 में से एक को फाइब्रॉइड होने वाला है। परंतु हर केस में ये सिम्टोमेटिक हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यानी कि हर महिला को इसके कारण तकलीफ हो वह जरूरी नहीं है। होता क्यों है ये फाइब्रॉइड? फाइब्रॉइड बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। कुछ हद तक जेनेटिक्स का भी इसमें डेफिनेटली रोल है, यानी कि जैसे कि अगर आपकी मम्मी को या आपकी बड़ी बहन को फाइब्रॉइड है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर भी फाइब्रॉइड होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है। अब अगर फाइब्रॉइड है आपको तो क्या क्या समस्याएं ये पैदा कर सकता है, क्या समस्याएं ये पैदा करेगा वह कम्प्लीटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का साइज कितना है और उसकी क्या लोकेशन है, यानी कि बच्चेदानी में वह कहाँ पे स्थित है। फाइब्रॉइड का साइज मटर के दाने जितना छोटा हो सकता है और तरबूज जितना बड़ा भी हो सकता है। सो फाइब्रॉइड्स वेरिएबल है साइज में, धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं। किस स्टेज पर हम उसे डिटेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइज हमें कितना मिलने वाला है। जहाँ तक कि मैंने बात की लोकेशन की, यानी कि वह कहाँ पर स्थित है, होगा तो बच्चेदानी में ही, पर बच्चेदानी की कौन सी लेयर है? बच्चेदानी की 3 लेयर होती हैं, अंदर की लेयर जिसे म्यूकोसा कहते हैं, बीच की लेयर जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर की लेयर जिसे कि सिरोसा कहते हैं। तो इनमें से कौन सी लेयर में स्थित है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वह क्या सिम्टम्स देगा। अगर अंदर की लेयर में म्यूकोसल लेयर में है तो छोटे से छोटा 2-3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड भी आपको काफ़ी तकलीफ दे सकता है। और वही अगर बाहर की दीवार में, यानी कि सिरोसल लेयर में पड़ा हुआ है तो कभी कभी ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड 10-12 सेंटीमीटर का भी हो जाता है और पेशेंट को पता ही नहीं पड़ता है। तो सिम्टम्स यानी कि क्या क्या समस्या दे सकता है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड पेट में दर्द दे सकता है, उसके कारण आपको नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन रहे ऐसा हो सकता है। सबसे कॉमनेस्ट इसका जो सिम्टम होता है वह होता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम, यानी कि पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वह हैवी होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। कभी कभी पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होती है फाइब्रॉइड्स के कारण। फाइब्रॉइड अगर आगे की साइड में लोकेटेड है बच्चे की तरह निकले तो वह यूरिन की भी प्रॉब्लम दे सकता है, यानी कि बार 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 यूरिन आने की टेंडेंसी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अभी आधे घंटे पहले यूरिन कर गया, ये फिर से वापस लग रहा है कि यूरिन आ रहा है, क्योंकि अगर बच्चेदानी की आगे वाली भाग में, आगे की दीवार में फाइब्रॉइड है तो वो कंटिन्यूसली ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर देता रहेगा, उसे स्टिमुलेट करता रहेगा और बार 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 यूरिन आने जैसा महिला को लगता रहेगा। अगर ये पीछे की दीवार पर स्थित है, पोस्टीरियर वॉल में स्थित है तो यह रेक्टम को कंप्रेस करेगा, जिससे कि इनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी कभी पैरों में खिंचाव वगैरह भी फाइब्रॉइड्स दे सकता है। कभी कभी महिला कंसीव करने की कोशिश कर रही है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, लेकिन अगर ये अंदर के भाग में स्थित है तो हो सकता है कि इसके कारण प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही हो, पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप बच्चा नहीं ठहर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। कभी कभी बच्चा ठहर जाए तो इसके कारण अबॉर्शन होने का रिस्क और प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। और मेजोरिटी महिलाओं में, यानी कि 80% महिलाएं जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, उनको सबसे अच्छी बात है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, जब ये छोटे हैं आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो यानी कि है तो ये बहुत कॉमन, लेकिन हर किसी में तकलीफ दे वो ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि फाइब्रॉइड बस पड़ा होता है बच्चेदाने में और कोई रूटीन चेकअप के लिए वो गई, कोई हेल्थ चेकअप हुआ जिसके कारण सोनोग्राफी हुई, अपेंडिक्स का दर्द हुआ इस कारण सोनोग्राफी हुई और पता पड़ा कि जी बच्चेदानी में फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है। तो डायग्नोसिस जैसे कि मैंने बताया यूजुअली हमें सोनोग्राफी में पता चलता है। कभी कभी जब सिम्टम्स के साथ महिला डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो जब हम नीचे से चेक करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें भी हमें पता पड़ जाता है कि फाइब्रॉइड है। अब फाइब्रॉइड है तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? अगर ये एसिम्टोमेटिक है, यानी कि आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, बस पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा भी नहीं है, 4-5 सेंटीमीटर से छोटा ही है और आपको भी कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, तो
तो हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम इसको पड़े रहने देंगे। हाँ, हम आपको ये ज़रूर एडवाइस करेंगे कि आप हर 6 महीने में इसका चेकअप कराते रहें कि एकदम बहुत बड़ा ना हो जाए ऐसा इसके अंदर सिम्टम्स होंगे तो आप डेफिनेटली खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये आपको परेशानी नहीं दे रहा है, तकलीफ नहीं दे रहा है, शादी से पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात, अगर ये आपको तकलीफ दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं, ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है, हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की दवाई होती है जो हम देते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं कभी कभी जीएनआरएच से, जिनको कि हम देते हैं ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल में आए। अगर दवाइयों से इलाज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी दवाइयों को महिला रिस्पॉन्ड नहीं करती है, यानी कि दवाइयों से आराम नहीं पड़ता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर गेठान जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने के कारण क्या होता है, फिर वो सराउंडिंग ऑर्गन्स को प्रेशर इफेक्ट आता रहता है, उसके कारण महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी स्थिति है, या फिर महिला प्रेग्नेंट होने की कोशिश करे, कंसीव करने की कोशिश करे और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, बच्चा नहीं टह रहा है इसके कारण, तो भी हमें इसे निकालने की ज़रूरत आ सकती है। कभी कभी अबॉर्शन हो रहे हैं जब इसके कारण, तब भी हमें इसको निकालने की ज़रूरत आ सकती है। तो इसके लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? इसके लिए यूजुअली 2 प्रकार की सर्जरीज की जाती हैं, एक होती है मायोमेक्टोमी, एक होती है हिस्टरेक्टोमी। मायोमेक्टोमी, मायोमा फाइब्रॉइड का ही हम साइंटिफिक एक दूसरा नाम होता है मायोमा, तो मायोमेक्टोमी सर्जरी यानी कि जिसमें हम खाली फाइब्रॉइड की गठान निकाल रहे हैं। हिस्टरेक्टोमी यानी कि हम पूरी बच्चे दाने निकाल रहे हैं। अगर आपकी उम्र छोटी है, प्रेगनेंसी प्लान करना भी बाकी है, तो यूजुअली ये मायोमेक्टोमी सर्जरी की जाती है, यानी कि खाली फाइब्रॉइड की गठान निकाली जाती है। परंतु यदि आपकी उम्र 40 के ऊपर है, आपका फैमिली प्लान पूरी हो चुकी है, फाइब्रॉइड प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम पूरे बच्चेदाने निकालने की सर्जरी जिसे कि हम हिस्टरेक्टोमी कहते हैं, वह कर सकते हैं। दोनों ही सर्जरी बहुत आराम से दूरबीन के द्वारा की जा सकती हैं, जिसमें रिकवरी में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। कभी कभी पेशेंट्स का होता है कि नहीं, दवाई से आराम नहीं मिल रहा है, सर्जरी कराएंगी नहीं है, तो क्या कोई और ऑप्शन है? हाँ, एक ऑप्शन और है, जिसे कि हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। कभी कभी पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता और कभी कभी पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, जो यूट्रस की आर्टरीज होती हैं उनमें उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसमें एम्बोलाइज जैसे मटेरियल, छोटे छोटे से मटेरियल डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो जिलेटिन जैसे मटेरियल डाल देते हैं, जिससे कि यूट्रस की वो जो ब्लड सप्लाई कर रही है यूट्राइन आर्टरीज, वह ब्लॉक हो जाती हैं। वो ब्लॉक हो जाती हैं तो यूट्रस में जाने वाला ब्लड कम हो जाता है, यूट्रस को ब्लड नहीं मिलेगा तो फाइब्रॉइड को भी ब्लड नहीं मिलेगा, फाइब्रॉइड को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा तो उसके कारण जो होने वाले सिम्टम्स हैं वह कम हो जाएंगे, चले जाएंगे। यह प्रोसीजर 80-90% सक्सेसफुल रहता है। इसको करने के लिए हमें पूरा बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोकल सुन करके भी कर सकते हैं प्रोसीजर। यह प्रोसीजर यूजुअली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, करने में लगभग 1.5-2 घंटा लगता है। इस प्रोसीजर के द्वारा हम ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं, और तो अगर महिला का प्रेगनेंसी प्लान करना बाकी है तो हम इस सर्जरी इस प्रोसीजर की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इससे बच्चेदानी का जो ब्लड सप्लाई है वह कम हो जाता है। अगर आपको फाइब्रॉइड के बारे में और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।